हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने हैं ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। इससे पहले हम जो ऑर्बिटल्स थे हमारे पास क्वांटम नंबर्स थे, उन क्वांटम नंबर्स से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो वो हमारी लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, वो हमारे लिए सेल्स बताता है, सेल्स सब सेल्स इस तरीके से हमें पता चलता है, स्पिन्स क्या होते हैं उस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फोर टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, सब ऑर्बिटल्स हैं, सब सेल्स हैं, उनके शेप्स क्या हैं, उनके शेप्स के अकॉर्डिंग हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एटम है, उसके ऑर्बिटल्स हैं, उसके क्या क्या शेप होते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे सब सेल्स कितनी होती है, लगभग हमारे पास जो सब सेल्स होती है 4 सब सेल्स होती है। अब इन 4 सब सेल्स का हम क्या पढ़ने वाले हैं, शेप पढ़ने वाले, शेप्स। तो जो हमारे पास 4 सब सेल हैं वो कौन कौन सी हैं, एस पी डी एंड एफ। यहाँ पे हम बेसिकली एस पी एंड डी के बारे में इनके शेप्स पढ़ेंगे। तो जो एस होता है उसका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। अब स्फेरिकल कुछ इस तरीके से, स्फेरिकल शेप। अब ये मान लो 1s हो गया तो 2s थोड़ा सा लार्ज होगा इसका, ये क्या हो गया 2s। तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल शेप किसका, s ऑर्बिटल का, s ऑर्बिटल, क्लियर। अब नेक्स्ट जो बात करें वो बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की, किसकी, पी ऑर्बिटल्स की। जो पी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे जो शेप आता है वो आता है डंबल शेप, क्या आता है डंबल शेप, डंबल शेप। अब डंबल शेप किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, एक, ठीक है, ये क्या है डंबल शेप। ये किसका होता है, हमारा पी ऑर्बिटल का होता है, पी ऑर्बिटल। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस में है, ये मान लो वाई एक्सिस में है, ठीक है, एक हमारा ये सभी हो सकता है, ये हमारा किस में है एक्स एक्सिस में, और एक हमारा हो सकता है जेड एक्सिस में, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है जेड एक्सिस में, कुछ इस तरीके से। अगर मैं 3D बनाऊं तो कुछ ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो एक कुछ इस तरीके से, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया। तो ये x, ये y, ये z और ये y एक्सिस, इस तरीके से इसका हम शेप बताते हैं और वो हमारा डिफरेंट है। इसी तरीके से कंबाइन होता है, मान लो एक हमारा p हो गया और एक s हो गया, ये s हो गया, तो इसको बोलेंगे sp, ठीक है। अगर दो हमारे पास s कनेक्ट हो, दो हमारे पास p कनेक्ट हो गए इसके साथ तो क्या बोलेंगे sp2, sp3, इसी तरीके से इसके नोमेनक्लेचर हम समझते हैं, ठीक है। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे डीपली किस तरीके से इनका आता है, ठीक है। तो हम इसको लॉब्स भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे आपको ये लॉब्स मिलेंगे लिखे हुए, तो इनको हम लॉब्स भी बोल देते हैं, ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लॉब्स में, क्लियर। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम इसको ऐसा कह सकते हैं 2px, 2py और 2pz, इस तरीके से x, y, z तीनों डायरेक्शन हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो डबल डंबल शेप होता है, ठीक है, डबल डंबल शेप होता है।
ये कुछ इस तरीके से एक हो गया हमारे पास, एक छोटा सा होता, तो इसको बोला जाता है डबल डंबल शेप। जो डी ऑर्बिटल होता है वो डिजाइन होता है कुछ इस तरीके से, आपका डी एक्स वाई हो गया एक डायरेक्शन, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया और डी जेड एक्स हो गया। आपके तीन तो यही हो गए, इस डायरेक्शन मिल सकता है आपको। एक क्या हो सकता है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर हो सकता है, ठीक है। एक क्या होगा, डी जेड स्क्वेयर हो सकता है, क्लियर। ये हमारे पास टोटल फाइव होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, फाइव होते हैं। इसी वजह से आप इस तरीके से इनको फिल करते हो। मैंने बोला था कि डी में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेन होते हैं, ठीक है। और पी में हमारे कितने होते हैं, सिक्स। तो यहाँ कितने बने थे, तीन बने थे, यहाँ कितने बने, फाइव बने, तो हमेशा हाफ बनते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से एक दो तीन चार और पांच। तो यहाँ मान लो डी एक्स वाई आ गया, यहाँ वाई जेड आ गया, यहाँ जेड एक्स आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, क्लियर। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, क्लियर। तो ये थे हमारे पास ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। हम तो आगे हम पढ़ रहे हैं एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। तो इस जो हमारे पास एनर्जीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरीके से, सबसे कम होती है हमारी 1s की, देन 2s, देन 2s एंड 2p, ये बोथ आर इक्वल, देन 3s, देन 3p, देन 3d, देन 4s, 4p, 4d, ठीक है, और 4f। तो ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज होती चली जा रही है, क्लियर। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एस देन पी देन डी देन एफ, इस तरीके से ये क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो इसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जेड इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव है क्या, कि हमारे पास ये होता है एक तरीके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, द टर्म इज इफेक्टिव is used because the shielding of negatively charged electron prevents higher orbital to experiencing the full nuclear charge। अब मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, अपने तरफ इस उसको अट्रैक्ट करेंगे। जितना ज्यादा हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा, ये क्या होगा, श्रिंक होगा। और जब श्रिंक होगा तो ये क्या आ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को बोला जाता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर। तो ये है आपके पास, इसको जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
इसको निकाला जाता है, वो निकाला जाता है जेड माइनस में एस। जेड क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसका? एलिमेंट का, जो भी हमारे पास एटम है उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एस क्या है? नंबर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, कितने उसके शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं? जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्लियर, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स लाइक दिस। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।